आज सबसे पहले भारत के लिए बहुत गौरव का पल है कि 107 मेडल्स लेकर के एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ी आए हैं। तो मैं सभी खिलाड़ियों को देश के आम जनमानस का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। खिलाड़ियों ने जो दिन रात परिश्रम किया है उसके लिए देश उनके परिश्रम को सल्यूट करता है, सलाम करता है, प्रणाम करता है। और वहीं पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिनका निरंतर हमारे स्पोर्ट्स पर्सन के प्रति अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और उनके प्रति हमेशा उन्होंने विभिन्न विभिन्न स्कीमों के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों से स्पोर्ट्स पर्सन को निकालने का काम किया है। स्कीम विभिन्न विभिन्न स्कीम के माध्यम से आज स्पोर्ट्स पर्सन चाहे वो दूर दराज का हो, गांव का हो, ग्रामीण हो, और उसको भी मौका मिल पाया है केवल और केवल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के स्कीम्स और उनके अपने विशेष ध्यान की वजह से। आप देखिए किस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी स्पोर्ट्स पर्सन के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, और केवल मेडल लाने पर नहीं परंतु उनके अपने प्रयासों पर बल देने का काम करते हैं। और उसी के परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर के भी दूर दराज के क्षेत्रों से बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन निकले हैं, चाहे वो सूर्य भानु प्रताप हो, चाहे वो शीतल देवी हो जो किश्तवाड़ दूर दराज की रहने वाली हैं, पैरा एथलीट हैं, और उन्होंने जम्मू कश्मीर का और भारत का नाम रोशन किया है आर्चरी के क्षेत्र के अंदर। चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन क्रिकेटर हो, उमरान मलिक हो, या अब्दुल समद हो, या महराजुद्दीन हो, चाहे वो यहाँ के दूर दराज के क्षेत्र में के रहने वाले कनोत्रा जी हो, जिन्होंने सोहम कनोत्रा जी जिन्होंने चेस के क्षेत्र के माध्यम से, खेल के माध्यम से जम्मू कश्मीर का और भारत का नाम रोशन किया है। तो मैं सभी स्पोर्ट्स पर्सन का धन्यवाद, उनको आभार व्यक्त करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। वहीं पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिन्होंने स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम किया है, आज खेलो इंडिया के माध्यम से 952 से अधिक सेंटर पूरे देश के अंदर खोले गए हैं, जो 652 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैले हैं, वहीं पर 100 से अधिक जम्मू कश्मीर के अंदर है। विंटर स्पोर्ट्स का हो या नाइट स्पोर्ट्स के माध्यम से यहां पर स्पोर्ट्स को और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम हो, और स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से यहां के नौजवान बहुत अच्छा कर पा रहे हैं और स्पोर्ट्स के साथ जुड़ करके वो देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और सभी नौजवानों से, सभी नौजवान ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन से प्रेरणा लेकर के खुद भी स्पोर्ट्स के जगत से जुड़ करके आगे बढ़ चढ़ करके देश और विदेश के अंदर जम्मू कश्मीर का नाम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।